हाथ के बल बच्चे भारी सांप से लड़ते हैं क्योंकि यह अपने पालतू कुत्ते को मारने की कोशिश करता है। सरीसृप के साथ कुश्ती के लिए नाटकीय पल बच्चे भारी सांप से लड़ते हैं क्योंकि यह अपने पालतू कुत्ते को मारने की कोशिश करता है। युवाओं ने कंकसुने सरीसृप के साथ कुश्ती के लिए छड़ियां और धातु की मेज पैर का उपयोग किया। अविश्वसनीय तीन बहादुर लड़कों को अपने कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहे एक विशाल बॉल कंस्ट्रक्ट से लड़ता है। युवाओं ने अपने पालतू जानवर के निचले शरीर और पिछले पैरों के चारों ओर लपेटने के बाद सरीसृप के साथ कुश्ती के लिए छड़ियां और धातु की मेज पैर का उपयोग किया, लेकिन क्लिप दिखाता है कि सांप बार बार अपने जबड़े को छिड़कता है और कुत्ते के चारों ओर अपनी तरह की पकड़ को कसता है। आखिरकार लड़कों ने मुर्गा से राक्षस सांप को उखाड़ फेंक दिया जो नृत्य चल रहा है। 21 सेकंड क्लिप के अंत में बड़े लड़के को अपने सिर से गाते में सांप रखती है। यह स्पष्ट नहीं है कि नाटकीय फुटेज कहाँ फिल्माया गया था, लेकिन इस सप्ताह ऑनलाइन इसे व्यापक रूप से साझा किया गया है। कई ने लड़कों की बहादुरी की सराहना की। एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने लिखा, गरीब कुत्ते वह बिल्कुल डर गया था, ठीक है उन बच्चों को किया। एक और दर्शक ने पोस्ट किया, चीजें जो हम अपने प्यारे दोस्तों के लिए करें, पिताजी के बहुत बहादुर। कुत्ते को देखने से प्रसन्नता हुई और एक तिहाई ने पोस्ट किया, अच्छे कुत्ते को बचाने वाले लोगों के साथ अच्छा लगा, उम्मीद है कि वह ठीक से ठीक हो गया है। कुछ ने लड़कों को अपने नायकों के लिए पुरस्कृत किया जाने के लिए भी बुलाया। फेसबुक उपयोगकर्ता ने कहा, अद्भुत वीडियो, उन बच्चों को अपनी बहादुरी और उनके कुत्ते को जो प्यार दिखाया गया है उनके लिए मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। गोल्डन फिंचेस जो अक्सर उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, 13 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। ये बड़े शिकारियों में चमगादड़, छिपकलियों और फिंचेस सहित अपने शिकार पर हमला करते हैं। Look!